गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है वो कंडीशन फॉर ग्रोथ है, मतलब ग्रोथ के कितने कंडीशंस हो सकते हैं जिसे प्लांट इजीली ग्रो करेगा। पहला फैक्टर आता है बेटा जिसे एक्सटर्नल कंडीशन कहते हैं। एक्सटर्नल कंडीशन का मतलब जो कंडीशंस एटमॉस्फेयर और एनवायरमेंट डिपेंड करता है उस चीज को एक्सटर्नल कंडीशन कहते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट क्या है, न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट में जैसे हम लोगों ने देखा था बायोमोलिक्यूल्स में मैक्रो माइक्रो ये न्यूट्रिएंट्स, जो कि रिक्वायर किस चीज के लिए था, सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म। सेकंड आता है वाटर। वाटर रिक्वायर होता है सेल इलोंगेशन के लिए, मेंटेनेंस ऑफ टर्जिडिटी ऑफ सेल्स, मीडियम फॉर एंजाइम एक्शन। टर्जिडिटी ऑफ सेल्स ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा था ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में, कि किस टाइप में सेल के अंदर वाटर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल के शेप को मेंटेन करने के लिए। सेकेंड क्या है, मीडियम ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन, यानी किसी भी एंजाइम का ब्रेकडाउन वाटर की ही प्रेजेंस में होगा बिहाफ ऑफ वाटर, ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। थर्ड आता है ऑक्सीजन, ये एसेंशियल होता है एरोबिक रेस्पिरेशंस के लिए और सेलुलर एक्टिविटीज के लिए। यहां पर हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन का ही बात करेंगे, दैट्स वाई ऑक्सीजन एसेंशियल कंसिडर्ड होगा। फोर्थ आता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर का मतलब होता है कि एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर प्लांट बहुत अच्छे तरीके से अपना ग्रोथ वगैरह बिना डिफिकल्टी से इजिली ग्रो कर सकता है, उसे ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे अगर मान लो ऑप्टिमम टेम्परेचर को छोड़ करके टेम्परेचर हाई अगर हो जाता है तब क्या होगा ग्रोथ का, बेटा ग्रोथ हिंडर करना शुरू कर देगा, मतलब ग्रोथ में डिफिकल्टीज आएगी, उसी चीज को अपन हिंडर कहते हैं। अगर लो टेम्परेचर हो गया देन, अगर बेटा लो टेम्परेचर होता है तो जितने भी एंजाइम है वो इनएक्टिव हो जाएंगे, एंजाइम अगर इनएक्टिव हो जाएंगे तो बॉडी का मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। फिफ्थ इवेंट आता है जिस चीज को अपन कहते हैं लाइट एंड ग्रेविटी। आपको पता होना चाहिए प्लांट मोस्ट ऑफ डिपेंड किस पे होता है बेटा, लाइट पे डिपेंड होता है, क्योंकि वो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट शो करता है उसका सूट, जबकि रूट जो होता है वो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, और अल्टीमेटली रूट जो होता है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होता है और टुवार्ड द ग्रेविटी राइज करता है। सिक्स्थ टर्म है दैट इज सीजनल कंडीशन। अब सीजनल कंडीशन क्या है बेटा, देखेंगे सीजनल कंडीशंस क्या है कि सीजन कुछ बहुत ज्यादा वैरी करता है। एग्जांपल यहां पर देखेंगे विंटर, जैसे विंटर अगर आ गया तो टेम्परेचर कम रहेगा, टेम्परेचर कम रहेगा तो एंजाइम तो फर्दर बेटा क्या हो जाएगा, एंजाइम तो प्रॉपर हो नहीं पाएगा, और जब एंजाइम की एंजाइमेटिक एक्टिविटीज प्रॉपर नहीं हो पाएगी तो अल्टीमेटली क्या रहेगा बेटा, उसका ग्रोथ डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट आता है स्प्रिंग सीजन, यहां पर देखेंगे टेम्परेचर नॉर्मल होता है, मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, जब टेम्परेचर इस जगह पर ऑप्टिमम और नॉर्मल होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा बेटा, उसकी ग्रोथ इंक्रीज होगी। अब ये सारे बात तो एक्सटर्नल कंडीशंस की रहे, अब अपन डिस्कस करेंगे इंटरनल कंडीशंस के बारे में। अब जरा देखिए इंटरनल कंडीशंस, इंटरनल कंडीशंस में बेटा क्या है कि प्लांट का इंटरनल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर कैसा रहा, मतलब प्लांट का बॉडी किस टाइप का है। जैसे सबसे फर्स्ट पॉइंट है एज ऑफ प्लांट क्या है, अगर ज्यादा एज है तो पर भी उसकी ग्रोथ क्या होगी, स्लो होगी। सेकंड है हाइड्रेशन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, मतलब प्रोटोप्लाज्म कितना जल्दी वाटर को लॉस कर रहा है और कितना जल्दी वाटर को लॉस नहीं कर पा रहा है, इस चीज को अपन हाइड्रेशन कहते हैं। इवन मेटाबॉलिक स्टेटस ऑफ सेल्स, यानी सेल्स मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव है कि नहीं, ये भी क्या है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर पे। नेक्स्ट है दैट इज जेनेटिक। जेनेटिक का मतलब होता है कि प्लांट किस टाइप में है, मतलब प्लांट टॉल है या फिर प्लांट ड्वार्फ है, मतलब कि लंबा हो और जेनेटिकली टॉल हो तो उसमें तो इंटरनल कंडीशन क्या हो जाएगा बेटा, टॉल हो जाएगा। लेकिन अगर ड्वार्फ हो गया, ड्वार्फ हुआ तो आप किसी भी कीमत से बिना कोई भी केमिकल के हेल्प के बिना आप उसे टॉल नहीं कर सकते हैं, इस वजह से जेनेटिक को अपन इंटरनल कंडीशन में कंसिडर करते हैं। लास्ट आता है दैट इज द साइटोलॉजिकल फैक्टर। साइटोलॉजिकल फैक्टर का मतलब कि सेल कितना ज्यादा एडवांस है, सेल में
प्रॉपर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है कि नहीं है, सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या है क्या नहीं है, ये सब सारी क्या चीजें में आएंगे, साइटोलॉजिकल फैक्टर्स में आएंगे। अब इंटरनल कंडीशंस में यहीं पर डिस्कस करेंगे, जिन्होंने हमने जेनेटिक के रिगार्डिंग बात किया था कि अगर ड्वार्फ है तो बिना केमिकल के इस्तेमाल किए बिना हम उसे टॉल नहीं कर पाएंगे, दैट इज प्लांट ग्रोथ हार्मोन, मतलब जिसे फाइटो हार्मोन्स कहते हैं या फिर प्लांट हार्मोन्स भी कहते हैं। ये इन्फ्लुएंस क्या करता है बेटा, वेजिटेटिव ग्रोथ पैटर्न को इन्फ्लुएंस करता है, मतलब कि किस टाइप में उसका ग्रोथ एट डेवलपिंग पीरियड में होगा, उसी चीज को क्या कह रहे हैं, इन्फ्लुएंस वेजिटेटिव ग्रोथ पैटर्न एज वेल एज रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, यानी समय से पहले वो अपना रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी अटेन कर सकता है बाय द हेल्प ऑफ प्लांट ग्रोथ हार्मोन। नाउ अब हम लोग कुछ दूसरे टॉपिक पे आते हैं, टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन, मतलब ये सेल के डिवीजन पर इस टॉपिक को क्लासिफाई किया गया। पहला पॉइंट है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है समझेंगे। मेरिस्टेमेटिक सेल्स सच एज रूट एपिकल मेरिस्टेम और सूट एपिकल मेरिस्टेम, कॉर्कैम्बियम मैच्योर अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक फंक्शन, मतलब ऐसे मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो कि रूट एपिकल मेरिस्टेम पे होते हैं, सूट एपिकल मेरिस्टेम पे होते हैं और कॉर्कैम्बियम पे होते हैं, वो मैच्योर अपने स्पेसिफिक फंक्शन के हिसाब से जो होते हैं, उस टाइप के सेल्स को अपन क्या कह सकते हैं, डिफरेंशिएशन कह सकते हैं। मतलब कि स्ट्रक्चरल चेंज जो होगा वो टेक प्लेस होगा, जैसे कि सेल वॉल और प्रोटोप्लाज्म में भी चेंज आ जाएंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर कैसे चेंज है बेटा, स्ट्रक्चरल चेंज तो ये तो स्पेसिफिक फंक्शन है ना। कि मान लो कि कोई एग्जांपल, अगर किसी के घर को ज्यादा अगर स्ट्रांग बनाना है तो वो क्या करेगा, वॉल को काफी ज्यादा स्ट्रांग बनाएगा। मतलब क्या चीज है, घर को स्ट्रांग बनाना, मतलब उसका फंक्शन हो गया ताकि अपने आप को प्रोटेक्ट करना, तो उसके लिए क्या करेगा, वो अपने स्ट्रक्चर में चेंज करेगा, यानी वॉल को क्या करेगा, ज्यादा स्ट्रांग का फॉर्मेशन करेगा। इसका एग्जांपल है जैसे ट्रैकियरी एलिमेंट। ट्रैकियरी एलिमेंट्स फॉर्म ड्यू टू द लॉस्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड बिकम स्ट्रांग। जैसे आपने वेसल्स वगैरह का नाम सुना होगा, वो ट्रैकियरी एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, अपना प्रोटोप्लाज्म लॉस्ट कर जाते हैं और फाइनली क्या हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं। कारण ये ट्रैकियरी एलिमेंट पहला तो कंडक्शन में हेल्प करता है, दूसरा उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में सबसे ज्यादा मदद करता है। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी सेल वॉल में। जैसे सेकेंडरी सेल वॉल इलास्टिक नेचर का होता है और जिसमें लिग्नोसेल्युलोजिक डिपोजिशन क्या हो जाता है बेटा, इंक्रीज हो जाता है, तो फाइनली सेकेंडरी सेल वॉल की इलास्टिसिटी इंक्रीज हो जाती है। याद रखिएगा एक बात, डिफरेंशिएशन में हेल्प टू कैरी वाटर टू अ लॉन्ग डिस्टेंस अंडर द एक्सट्रीम कंडीशंस, यानी जो सेल्स वाटर को लॉन्ग डिस्टेंस तक कैरी करेंगे अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस, वो सब सारे किस में आएंगे, डिफरेंशिएशन में आएंगे। नाउ अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जिसका नाम क्या चीज है बेटा, जिसका नाम डी डिफरेंशिएशन है। मतलब यहां पर क्लियर है, डी का मतलब कहीं ना कहीं फिर से देखेंगे, द प्रोसेस ऑफ डी स्पेशलाइजेशन ऑफ डिफरेंशिएटेड लिविंग सेल्स, मतलब एक ऐसा प्रोसेस जो अपने फंक्शंस को डी स्पेशलाइज कर दे। डी स्पेशलाइज का मतलब अपने स्पेशल फंक्शन को भुला दे, और ऑफ डिफरेंशिएटेड लिविंग सेल्स का, सो दैट दे रीगेन द कैपेसिटी टू डिवाइड एंड फॉर्म न्यू सेल्स। मतलब जब अपने स्पेसिफिक फंक्शंस को भुला देगा तो वो फिर से क्या करेगा, डिवाइड होना शुरू हो जाएगा, और जब वो डिवाइड होना शुरू होगा तब फिर क्या करेगा बेटा, वो न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करना शुरू कर देगा। अब देखेंगे, देखो डी डिफरेंशिएशन टिश्यूज कैन एक्ट एज मेरिस्टेम, मतलब कि अब हमें क्या हो रहा है कि फंक्शन तो है, एग्जाम्पल अगर हम समझे तो कॉर्कैम्बियम पे समझते हैं। जैसे कॉर्कैम्बियम क्या है कि कॉर्कैम्बियम अगर ये इंटरनल पार्ट पे देखा जाए तो अब क्या है कि इस जगह पर जब तक इसकी साइज फिक्स थी तब तक तो यहां पर डिवाइड होना शुरू हुआ,
लेकिन अब क्या हो गई कि इसकी साइज अब गर्थ इंक्रीज करेगी, यानी अब इसका डायमीटर धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। जब बेटा डायमीटर धीरे धीरे इंक्रीज करेगा तो अब कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच के लेंथ को भी तो इंक्रीज करना पड़ेगा ना। सो इसका एग्जांपल क्या हो गया, इंटरफेसिकुलर वस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। नाउ रीडिफरेंशिएशन, अब अपन जो देख रहे हैं दैट इज द स्ट्रक्चरल केमिकल एंड फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन ऑफ सेल्स डेराइव्ड फ्रॉम डी डिफरेंशिएटेड मेरिस्टमेटिक सेल्स। समझिएगा ध्यान से, यानी जो स्ट्रक्चर के हिसाब से, बॉडी के मेटाबॉलिक के हिसाब से और बॉडी के फंक्शन के हिसाब से जो स्पेशलाइजेशन सेल में डेराइव होगा, उस टाइप के सेल्स को अपन क्या कहेंगे, रीडिफरेंशिएटेड सेल्स कहेंगे। और ये रीडिफरेंशिएटेड सेल्स कहां से आएगा, तो डी डिफरेंशिएटेड मेरिस्टेमेटिक सेल से आएगा। एग्जांपल देखेंगे, दैट इज सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम, कॉर्क सेल्स आर द सम ऑफ द टिश्यूज फॉर्म्ड थ्रू रीडिफरेंशिएशन। यानी जितने भी सेकेंडरी ग्रोथ होते हैं वो जनरली किसके होते हैं, तो रीडिफरेंशिएटेड मेथड से होते हैं। अब ग्रोथ के बाद सेकेंड जो टॉपिक है दैट इज, जिस चीज का नाम अपन क्या देते हैं, जिस चीज का नाम अपन डेवलपमेंट देते हैं। अब जरा देखिए डेवलपमेंट होता क्या है, किसे कहते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट सच एज ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, मैच्यूरेशन, सेनेसेंस। यानी ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, मैच्यूरेशन और सेनेसेंस। सेनेसेंस का मतलब होता है कि जब वो डेड की अवस्था में नजदीक चला जाता है, यानी धीरे धीरे क्या होता जाता है कि मरने के समय पे अपना क्लोज होना शुरू हो जाता है, जिसे सेनेसेंस कहते हैं। दैट अकर इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ सेल्स, ऑर्गन एंड ऑर्गेनिज्म। यानी जो सीक्वेंशियल इवेंट होता है पूरे लाइफ हिस्ट्री ऑफ सेल्स में, उस चीज को अपन क्या कह सकते हैं, डेवलपमेंट कंसिडर करते हैं। याद रख लेना, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन कंट्रोल्ड बाई इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक फैक्टर। आप समझिए, बहुत लोगों को डाउट आ जाता है कि क्या डेवलपमेंट को अपन ग्रोथ कह सकते हैं, लेकिन हम लोग डेवलपमेंट को क्या कंसिडर करते हैं, सम ऑफ ग्रोथ, यानी नेट ग्रोथ को अपन डेवलपमेंट कंसिडर करते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन कंट्रोल्ड बाई इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक फैक्टर, यानी बॉडी के इंटरनल फैक्टर प्लस एटमॉस्फेरिक ये फैक्टर या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स को, दोनों से जो कंट्रोल्ड होता है, उस चीज को अपन क्या कह सकते हैं बेटा, डेवलपमेंट कंसिडर करते हैं। अब डेवलपमेंट में दो चीज हमें देखना है। पहला चीज, जिस चीज को अपन क्या कह सकते हैं, प्लास्टिसिटी कहते हैं, और दूसरा हेट्रोफिली कहते हैं। यहां पर टर्म ही क्लियर हो रहा है, प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी का मतलब जिसके पास फ्लेक्सिबल नेचर प्रेजेंट होगा, मतलब द एबिलिटी ऑफ अ प्लांट टू चेंज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुली। मतलब कि प्लांट जो है उसके पास ऐसी एबिलिटी है कि वो एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुली के हेल्प से, स्टिमुलस का मतलब होता है कि समझ ले इंपैक्ट है ना, वो इंपैक्ट के बिहाफ पे वो प्लांट अपने आप को कितना चेंज कर सकता है, उस चीज को अपन क्या कह सकते हैं, प्लास्टिसिटी कह सकते हैं। सेकेंड आता है हेट्रोफिली। हेट्रो का यहां पे टर्म क्लियर है बेटा, हेट्रो का टर्म क्या चीज है, डिफरेंट। फिली टर्म फिजियोलॉजी से लिया गया है, ठीक है। दैट इज अकरेंस ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ लीव्स ऑन अ सेम प्लांट, यानी सेम प्लांट पे एक से ज्यादा टाइप ऑफ लीव्स प्रेजेंट रहे, उस चीज को क्या कहेंगे, हेट्रोफिली कहेंगे। और याद रख लेना बेटा, फेनोमेना ऑफ हेट्रोफिली एज एग्जांपल ऑफ प्लास्टिसिटी, ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस एसरेशंस और रीजनिंग में भी मदद करते हैं। जैसे ये किस में ऑब्जर्व किया जाता है, कॉटन, कोरिएंडर और लार्क स्पर ईटीसी में क्या किया जाता है बेटा, ऑब्जर्व करता है। जैसे एक्वेटिक प्लांट में रेनानक्यूलस एक्वेटिलिस, जिसे बटर काप कहते हैं, जो एनसीईआरटी में डायग्राम में मेंशन है, उसमें हम लोग देखेंगे एक दो टाइप के ग्रोथ हैं, एक थ्रेड टाइप का है और दूसरा ब्रॉड टाइप का है। जैसे कि सबमर्ज्ड लीव, मतलब वाटर हैबिटेट में, इसमें कैसे होते हैं, लीनियर और डाइसेक्टेड फॉर्म पे होते हैं।
अब जबकि एरियल और फ्लोटिंग जिसे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहते हैं वो कैसे होते हैं, ब्रॉड होते हैं। जरा इसे डायग्राम से समझ, देखिए ये रहा डायग्राम, ये टेरेस्ट्रियल है। जरा टेरेस्ट्रियल का सरफेस एरिया आप जरा देखोगे तो ये सरफेस एरिया कैसा दिखेगा आपको, ब्रॉड टाइप सरफेस एरिया दिखेगा। वही जब वाटर हैबिटेट अगर देखोगे तो वाटर हैबिटेट में आपको कैसा दिख रहा है, तो ये जो दिख रहा है ये लीनियर टाइप दिख रहा है। कारण वाटर और टेरेस्ट्रियल में दोनों में ये जो हेट्रोफिली शो हो रहा है बेटा वो क्या चीज पे है, दैट इज ये हेट्रोफिली प्लांट के जो हैबिटेट है उस पर डिपेंड कर रहा है कि वाटर हैबिटेट में किस टाइप का होगा और टेरेस्ट्रियल और एरियल हैबिटेट में किस टाइप का होगा। अब हम लोग जो देखेंगे एक फ्लोचार्ट समझेंगे कि जैसे एक मेरिस्टेमेटिक सेल्स कैसे करके मैच्योर सेल्स में कन्वर्ट होता है और कैसे करके सेनेसेंस होने के बाद डेथ कर जाता है। देखेंगे यहां पर दो चीज इवेंट होगा, मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, अब ये क्या करेगा, प्लाज्मेटिक ग्रोथ करेगा। प्लाज्मेटिक ग्रोथ अभी अपन देखे थे कि इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म ये सब सारे ग्रो करना शुरू करेंगे। ग्रो करने के बाद डिफरेंशिएशन जाएगा, डिफरेंशिएशन जाने के बाद स्पेसिफिक फंक्शन में कन्वर्ट होगा और ये क्या कहलाएगा, मैच्योर सेल्स कहलाएगा। उसी बिहाफ पे जब प्लाज्मेटिक ग्रोथ हो रहा था यानी कहीं ना कहीं प्रोटोप्लाज्म वगैरह इंक्रीज हो रहे थे, तब बेटा क्या हो रहा था, कहीं सेल्स का एक्सपेंशन हो रहा था, जिस चीज को अपन बायोलॉजिकल टर्म में क्या कहते हैं, इलोंगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उसे, इलोंगेशन। अब एक्सपेंशन और इलोंगेशन होने के बाद अब जो सेल्स यहां पर था वो सेल्स डिफरेंशिएट कर रहा था, मतलब सेल्स ग्रो कर रहा था और स्पेसिफिक फंक्शंस को प्रोवाइड कर रहा था और स्पेसिफिक फंक्शन को अटेन कर रहा था, तब कहीं ना कहीं उस इवेंट को क्या कह रहे थे बेटा, मैच्योरेशन कह रहे थे। अब जब ये मैच्योर हो चुका तब ये किस चीज में कन्वर्ट हो गया, मैच्योर सेल्स में कन्वर्ट हो गया। और फाइनली जब ये मैच्योर सेल्स अपना पूरा लाइफ टाइम लाइफ स्पैन को जी लिया और पूरा लाइफ स्पैन कवर कर लिया तो फाइनली लीड क्या किया, सेनेसेंस और डेथ हो गया। लेकिन यहां पर ध्यान देंगे, प्लाज्मेटिक ग्रोथ तो हुआ लेकिन इस प्लाज्मेटिक ग्रोथ के बाद माइटोटिक सेल डिवीजन होगा और माइटोटिक सेल डिवीजन में जैसे कि हम लोगों ने अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक में पढ़ा था, वो एक्चुअल में इसी प्लाज्मेटिक सेल्स के पास सेल डिवीजन लीड किया और फाइनली क्या किया, मेरिस्टेमेटिक सेल्स में कन्वर्ट हुआ और फिर से वो सेल्स यही एंटायर इवेंट को सो किया।